हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक खुशी खबर। आपण पांचटा अपडेट अच्छी। तो आज आम जहाँ सब डिस्कशन करवा से सब देखु। प्रथम आम आलोचना करवा जो बीएड एडमिशन एडवर्टाइजमेंट आसी जो मैंने बीएड करने चाहूंट से विषय में डिटेल्स डिस्कशन करवा। तापर आपण अच्छी जूनियर क्लर्क निजुक्ति, जो मैंने जूनियर क्लर्क पकेबा पई चाहूंट गवर्नमेंट जॉब पाइबा चाहूंट, तो यहाँ प्योरली गवर्नमेंट जॉब कौनसी आपणकर कॉन्ट्रैक्चुअल नुह से विषय में डिटेल्स डिस्कशन करवा। जार सैलरी पखापाखि 25 रु 30 हजार अच्छी स्टार्टिंग रु। तापर कालिया स्कॉलरशिप उपर आलोचना करवा, जो मैंने स्टूडेंट अच्छा से मानी ये स्कॉलरशिप अच्छी। तापर अच्छी आपणकर जो मैंने सेकेंड इयर पढ़ुंट सीटी बा डीएलईडी से मानकर एग्जाम केबे हेबो एवं जो चिठीटा आसी से उपर आम डिटेल्स डिस्कशन करवा। एवं शेषे अच्छी आपणकर ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन, जो मैंने डिस्टेंस मोड रे प्लस थ्री किंबा पीजी करवा चाहूँ, एमए किंबा बीए करवाई चाहते से मानाई नोटिफिकेशन टा अच्छी। तो चलतु गोटे पर गोटे डिस्कशन करवा। तो फ्रेंड्स, आपड़ जब फास्ट टाइम यही चैनल को देखुंट निहाती भावे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं पाखे बेल आइकन को टच करूँ जहाद्वारा नुआ नुआ नोटिफिकेशन जापारे। तो चलतु प्रथम अच्छे बीएड पाई। तो देखूँ फ्रेंड्स, यहाँ उत्कल यूनिवर्सिटी एडवर्टाइजमेंट बाहरी जो मैंने बीएड करेंगे से मैंने अप्लाई करेंगे। तो बीएड सहित आउ मध्य कोर्स यहाँ अच्छी। तो एडमिशन इनटू स्पॉन्सर कोर्स फॉर दिस सेशन 2021 एंड 2022 स्टूडेंट्स ए वेटिंग फाइनाल डिग्री रिजल्ट कैन ऑल्सो, जो मानकर रिजल्ट बाहरी प्लस थ्री पढ़ुंट कि फाइनाल ईयर पढ़ुंट जेको सब कोर्स रे से माने मध्ये अप्लाई करि पारिबे। तो एटा देखंतु आपणकर बीएड एवं एमएड पई एटा बाहरी छे। तो आपण केते तारिख रु एटा अप्लाई करि पारिबे, 13 तारिख रु अप्लाई करि पारिबे 13/8 रु एवं लास्ट डेट होउछि आपणकर 27 अगस्त 2027। तो एटा एंट्रेंस टेस्ट हबो डिफरेंट कोर्स पई, तो 7/9 रु 9/9 अछि। तो आपणकर कोर्स पई केते तारिख एग्जाम हबो सेटा आपण डिटेल्स जानपारे। तो केमी आपड़ एप्लाय करेंगे देखूँ, आप www.utkalinvarsity.nic.in को जैक यहाँ एडमिशन करें, सॉरी फॉर ई एडमिशन, हाँ एडमिशन तापरे आपण कौन करेंगे आपण नोटिफिकेशन आसब। तो देखो जो मैंने एमएससी करेंगे, एमबीए करेंगे, इंटीग्रेटेड एमसीए करेंगे, तो यहाँ हूँ स्पॉन्सर कोर्स एंट्रेंस टेस्ट फॉर स्पॉन्सर कोर्स। यही आपणकर फ्रीली आपन को अवेलेबल हेबो नाही, आपन को किसी पैड करने को पड़ो। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट नोटिफिकेशन टा आमर जो आम आलोचना कर दिले देखंतु बीएड रो आम डिस्कशन कर दिले। एबे आम आलोचना करिबा ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जोटा डिस्टेंस मोड रे जो माने करिवा पई चाहूचंती से मानको पई कोन कोन कोर्स अछि मु आपन को कहि दउछि। देखंतु आपणकर अछि मास्टर डिग्री प्रोग्राम आपणकर कौन कौन अच्छे, एम ए इन पॉलिटिकल साइंस हो पारे, एम ए इन सोशियोलॉजी, एम ए हिस्ट्री, एम ए इन आपणकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एम ए इन इंग्लिश, एम ए ओडिया, एम ए हिंदी, एम ए रूराल डेवलपमेंट, एम ए इन जर्नालीजम, एम ए इन पब्लिक पॉलिसी, एम ए इन इकोनॉमिक्स, एम ए इन संस्कृत आपारे एवं एम एस सी टा कौटे करेंगे साइबर सिक्यूरीटी एम एस सी टा करें। तापर आसला बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री प्रोग्राम रे आपणकर हिस्ट्री, इंग्लिश, ओडिया, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी, इकोनॉमिक्स एटा सब अनर्स आपण करि पारे, बी बीकॉम मध्ये अनर्स अछि करि पारिबे, आ जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन रे मध्ये आपण अनर्स रखि करि पारिबे एवं संस्कृत रे मध्ये आपण डिस्टेंस बीए करि पारिबे। तापर डिप्लोमा प्रोग्राम आपणकर अछि देखंतु डिजास्टर मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, जर्नालिज्म, ओडिया लैंग्वेज, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, ट्राइबल स्टडीज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इटा अच्छे। तापर सर्टिफिकेट प्रोग्राम मध्ये अच्छे। तो यार मुख्य कथा है जे यार लास्ट डेट अच्छे आप 31 अगस्त पर्यंत अच्छी, अगस्ट 31 पर्यंत आप अप्लाई करेंगे, तापर यार लास्ट डेट सरी जा। ठीक अच्छे, नेक्स्ट आम डिस्कशन करवा देखो जूनियर क्लर्क, थर्ड पॉइंट है आपंकर जूनियर क्लर्क। तो जूनियर क्लर्क यहाँ कौटी बाहरी यहाँ जगत सिंहपुर जिले बाहरी, कौटि बाहरी जगत सिंहपुर जिले बाहरी यार लास्ट डेट अप्लाय कर लास्ट डेट हूँ आप सेप्टेम्बर 20 पर्यंत आप पकई पारे। आउ मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन सब मागे आम देखीदे,
जूनियर क्लर्क कम कॉपीस्ट जोटा बाहरी जूनियर टाइपिस्ट जोटा जोटा बाहरी तो यहाँ आपणकर देखते सैलरी आपणकर जोटा कहती फुल स्केल सैलरी जूनियर कम जूनियर क्लर्क कम कॉपीस्ट जूनियर टाइपिस्ट जोटा अच्छी सेटा सब आपणकर फुल स्केल सैलरी तो 19,900 स्टार्टिंग प्लस यहाँ बेसिक ता सहित डीए मिसिबो एचआरए मिसिबो एमिति मिसिकी आपणकर 25,000 रु 27,000 हो स्टेनोग्राफर जोटा अच्छी 25,500 रु जेहेतु स्टार्ट अच्छी यहाँ आप 30,000 समथिंग पाइबे तो यहाँ हूँ आपणकर कौन जगत सिंहपुर जिले में बाहरी जदि किसी आप डाउट रोच तो आपण कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ या उपरे आम आहुरी डिस्कशन करवा ना मुझे पीडीएफटा देवी ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा आपणकर नेक्स्ट आसला जो मैंने सीटी परीक्षा देला सीटी परीक्षा जो मैंने से मानी यहाँ अपडेट अच्छी तो जो मैंने अलरेडी सेकेंड इयर परीक्षा देखते कोर्सटा कम्प्लीट हो जाए के 30/6 कम्प्लीट हो जाए जून रे कम्प्लीट तर सेसनटा 30/6 जेहतु कम्प्लीट हो जाए ये TNSCERT रो डायरेक्टर TNSCERT रो चिठीटा BSC ओडिशा को करा कहीं BSC ओडिशाटा एक्चुअली सीटी बा DLED एग्जामटा कंडक्ट करी थाए तो यही डायरेक्टर पाखर कौन चिठी कर जेहेतु DLED कोर्सटा सेकेंड इयर पिलांकर सरी जाए तो सेतिपाई से मानकर एग्जाम करने रिक्वेस्ट करा जाए तो एडा होजी आपणकर सीटी पाई बा सीटी पाई सेकेंड इयर पिलांक पाई अपडेट तो ये चिठी रु जाना पड़ुछि जे ए एग्जामटा निहाती भाबे अति शीघ्र हेबार संभावना रहुछि सेकेंड इयर एग्जामटा अति शीघ्र हेबार संभावना रहुछि तापर नेक्स्ट जीवा हमर कालिया स्कॉलरशिप जोटा अछि बा छात्रवृत्ति कालिया छात्र वृत्ति तो यहाँ ऑनलाइन केते तारीख आरंभ है 9 अगस्त रु आवेदन हो जाए तो किए पके पारियो सेटा आम देखा दुटा पॉइंट अच्छे प्रथम कथा है जो मैंने सरकारी कॉलेज रे पढ़ुंट महाविद्यालय रे कि विश्वविद्यालय रे कि जेकोसी अनुष्ठान रे सरकारी अनुष्ठान रे जदि पढ़ुंट से माने एलिजिबल हेबे वृत्तिगत तथा वैषयिक शिक्षा रे स्नातक वृत्तिगत माने कौन BED करथुबे किंबा आपनको इंजीनियरिंग करथुबे तो किंबा ए सब होछि वृत्तिगत बा वैषयिक शिक्षा रे सेटा तापर डिप्लोमा तापर ITI रो विद्यार्थी पाइबे डिप्लोमा एवं ITI डिप्लोमा जो माने करछन्ते डिप्लोमा DLED जो माने करछन्ते से माने मध्ये पाइ परिबे हला तापर ITI जो माने करछन्ते वृत्तिगत तथा वैषयिक तो सब पिला एटा आपण अंतर्भुक्त हो पारे फास्ट कथा है ITI जे माने करछन्ते डिप्लोमा जे माने करछन्ते डिप्लोमा रे जो माने DLED मध्ये डिप्लोमा डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन तो डिप्लोमा जो स्टार्ट अच्छे वार्डटा लगुच से पिला सब पक पारे सहित यहाँ अच्छे कालिया योजना अंतर सेकेंड पॉइंट है तो यहाँ क्यों पाने पकई पारे जो पा मान गार्डियन माँ बापा क्षुद्र नामम्र चाषी भाग चाषी एवं भूमिहीन बोली से मैंने भूमिहीन कृषक अटंती चाषी अटंती मैंने से पाने पकई पारे जो मान बापा माँ क्षुद्र चाषी होते हैं नामम्र चाषी होते भाग चाषी होते कि भूमिहीन कृषक होते से मैंने स्कॉलरशिपटा आवेदन करें तो यहाँ दिला आज 5टा टॉपिक उपरे अपडेट जदि आपन को भल लगला निहाती भावे शेयर करूँ कमेंट करूँ लाइक करूँ।